Hey friends, in this video we are going to study about JAK-STAT pathway. JAK-STAT pathway actually belongs to a receptor, which is the enzyme associated receptor having tyrosine kinase activity. This enzyme associated receptors are those receptors which requires an extra enzyme associated at the C terminal acting as a catalytic unit. Because the C-terminal of the receptor itself cannot act as a catalytic unit. यहाँ पे जो JAK-STAT pathway है, वहाँ पे JAK का मतलब है Janus kinase. Janus kinase जो है, चार तरीके के मिलते हैं, which is JAK1, JAK2, JAK3 and TYK2. All these are the types of JAK. दूसरी तरफ, we have STAT, which stands for Signal Transducer एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ये जो स्टैट है, ये छः तरह के मिलते हैं मैमल्स के अंदर. ये जो JAK-STAT पाथवे है, ये हम पढ़ते हैं साइटोकाइन रिसेप्टर्स के अंदर. आई होप यू रिमेंबर, मैंने आपको साइटोकाइन रिसेप्टर्स के ऊपर पूरी वीडियो बना के दिखा रखी है कि किस तरीके से साइटोकाइन रिसेप्टर्स जो है वो काम करते हैं और उनका मोड ऑफ मैकेनिज्म कैसा है सिग्नलिंग के अंदर. तो यहाँ पे जो साइटोकाइन रिसेप्टर हैं, वो एक एंजाइम एसोसिएटेड टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो रिसेप्टर है, विच इज़ द रिसेप्टर एंजाइम एसोसिएटेड टायरोसिन काइनेज, दिस इज एक्चुअली ए साइटोकाइन रिसेप्टर. इन द JAK-STAT पाथवे वी मेनली स्टडी द साइटोकाइंस रिसेप्टर. सो दीज आर द साइटोकाइंस रिसेप्टर्स. And these receptors are having the N-terminal at the extracellular region, while the C-terminal which is in the cytoplasmic region. And this represents the plasma membrane. So the whole, this receptor and the ligand binding occurs in the plasma membrane. Here in the first step we can see these are the receptors which are present at a distance apart. तो ये दो रिसेप्टर्स हैं साइटोकाइन रिसेप्टर्स जो कि काफ़ी दूर दूर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और इनके सी टर्मिनल के पास होती है जैक एक्टिविटी. क्योंकि ये जो सी टर्मिनल है, वो आरटीकेज की तरह खुद कैटालिटिक यूनिट की तरह काम नहीं कर सकता. अब हम देखते हैं कि लाइगेंड हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है. लाइगेंड हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, साइटोकाइंस हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स, पेप्टाइड हॉर्मोन्स हो सकते हैं. तो लाइगेंड्स हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं. और यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, वो साइटोकाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ द सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स रिसेप्टर. नाउ इन द फर्स्ट केस वी हैव सीन दे आर प्रेजेंट एट डिस्टेंस अपार्ट, बट एज द लाइगेंड्स बाइंड्स विद देम, जैसे ही लाइगेंड जो है एन टर्मिनल के पास जाके बाइंड करता है, दिस लीड्स टू लाइगेंड इंड्यूस्ड डाइमराइजेशन एंड क्रॉस फॉस्फोराइलेशन ऑफ जैक. इससे क्या होता है कि जैसे ही लाइगेंड बाइंड करता है रिसेप्टर्स के साथ, ये रिसेप्टर्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो यहाँ पे लाइगेंड इंड्यूस्ड डाइमराइजेशन हो गई. यहाँ पे दोनों डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं और हो जाती है. और दूसरा काम होता है द क्रॉस फॉस्फोराइलेशन ऑफ द जैक. हियर वी कैन सी द क्रॉस फॉस्फोराइलेशन ऑफ जैक अकर्स. ये वाला जैक इसको फॉस्फोराइलेट करेगा और ये वाला जैक इसको फॉस्फोराइलेट करेगा. सो बोथ फॉस्फोराइलेट ईच अदर. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी सी ये जो जैक है, ये सी टर्मिनल के टायरोसिन रेजिड्यू को भी फॉस्फोराइलेट करेगा. तो सी टर्मिनल के टायरोसिन रेजिड्यू को फॉस्फोराइलेट करने का काम भी जैक का होता है. सो द फोर्थ स्टेप इज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यू ऑफ सी टर्मिनल बाय जैक इटसेल्फ. तो जैक जो है इसको भी फॉस्फोराइलेट करता है और एक्टिवेट करता है. सो दिस इज हाउ दिस होल साइटोकाइन रिसेप्टर गेट्स एक्टिवेटेड आफ्टर द लाइगेंड बाइंडिंग. तो इस तरह से लाइगेंड बाइंड करने से पूरा का पूरा रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. एंड दिस प्रोवाइड्स एट द टायरोसिन, यहाँ पे टायरोसिन रेजिड्यू जो कि एक्टिवेटेड है, फॉस्फोराइलेटेड है, वो बन जाता है, वो प्रोवाइड करता है एक डॉकिंग साइट. यहाँ पे एक डॉकिंग साइट प्रोवाइड होती है जो मदद करती है डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को या एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स को, जिन प्रोटीन्स ने एक्टिव होना है उनको अटैच करने में. तो यहाँ पे डॉकिंग साइट प्रोवाइड हो जाती है. यहाँ पे हम फिफ्थ पॉइंट पे देखते हैं, फिफ्थ स्टेप के अंदर, कि ये जो टायरोसिन का फॉस्फोराइलेटेड पार्ट है, यहाँ पे एक प्रोटीन आके अटैच होता है जिसको हम स्टैट बोलते हैं. स्टैट मैंने जैसे कि आपको बताया कि होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन.
तो ये जो है स्टैटिक मॉलिक्यूल है जिसके पास एक डोमेन है, दैट इज़ द SH2 डोमेन. मैंने आपको पहले भी बता रखा है, देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेन विच हेल्प्स इन बाइंडिंग विद दी टायरोसिन मॉलिक्यूल. तो टायरोसिन जो कि एक्टिवेटेड है, इस फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन के साथ बाइंड करने के लिए एक डोमेन की ज़रूरत होती है जो कि हेल्प करता है डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग में. तो यहाँ पे वो डोमेन है SH2 डोमेन. सो दिस SH2 स्टैट, सो दिस SH2 डोमेन ऑफ स्टैट बाइंड्स विद दी टायरोसिन, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन, एंड गेट्स इट्स सेल्फ फॉस्फोराइलेटेड. तो खुद को एक्टिवेट कराने के लिए ये टायरोसिन के साथ अटैच होता है. अब हम देखते हैं कि ये जो स्टैट है एक्टिवेट हो गया. एक्टिवेट होने के बाद ये डिसोसिएट हो जाएगा. सो डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोराइलेटेड स्टैट अकर्स एंड ओवर हियर वी कैन सी दिस हैज़ नाउ बिकम फॉस्फोराइलेटेड. अब ये फॉस्फोराइलेटेड स्टैट या एक्टिवेटेड स्टैट जो है एक होमोडाइमर या हिट्रोडाइमर बनाएगा. होमो या हिट्रोडाइमर कैसे बनेगा कि दो स्टैट जो हैं आपस में आके लिंक हो जाएंगे. या तो ये सिमिलर स्टैट लिंक हो जाए या डिससिमिलर स्टैट लिंक हो जाए. अगर सिमिलर स्टैट लिंक होंगे तो होमोडाइमर बनेगा, और अगर डिससिमिलर स्टैट लिंक होंगे तो हिट्रोडाइमर बनेगा. और ये जो होमो या हिट्रोडाइमर होता है ये एक्ट करता है एज अ एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह. सो ये जो एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कराता है. तो ये हिट्रो या होमोडाइमर अब एंटर करेगा न्यूक्लियस के अंदर. सो नाउ दिस होमो और हिट्रोडाइमर एंटर्स इनसाइड द न्यूक्लियस वेयर इट बाइंड्स टू द DNA एट ए स्पेसिफिक सिस रेगुलेटरी सीक्वेंस. तो एक स्पेसिफिक सिस रेगुलेटरी सीक्वेंस पे जाके ये स्टैट का जो होमोडाइमर या हिट्रोडाइमर है अटैच करेगा, और इससे जो है जीन्स जो है वो ट्रांसक्राइब हो जाएंगी. राइट, सो दिस इज हाउ द स्टैट एक्चुअली बाइंड्स एंड फॉर्म्स अ होमो एंड हिट्रोडाइमर एंड एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड हेल्प्स इन दिस सिग्नलिंग एंड गेट्स द जीन्स ट्रांसक्राइब्ड. तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी सिग्नलिंग होती है जैक स्टैट पाथवे के अंदर. अब हमने पढ़ा है कि किस तरह से जैक स्टैट पाथवे जो है वो साइटोकाइन रिसेप्टर्स को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे इस पाथवे के अंदर टोटल 30 साइटोकाइंस या हॉर्मोन्स जो हैं वो काम करते हैं. एग्जाम्पल मैं बता दूँ, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन. प्रोलैक्टिन हार्मोन एक मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है. ये एक लाइगेंड की तरह एक्ट करता है. इसको जैक वन या टू और स्टैट फाइव की ज़रूरत होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द ब्रेस्ट. तो ये जो मिल्क प्रोडक्शन है ब्रेस्ट के अंदर वो कैसे होती है, वो होती है थ्रू जैक स्टैट पाथवे. दूसरा एग्जाम्पल है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का. इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि किडनी रिलीज करती है, और इस हार्मोन का काम है ब्लड सेल्स यानी कि RBCs को बनाना. तो रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम ये हार्मोन करता है, पर ये हार्मोन जो है एक लाइगेंड की तरह एक्ट करता है और बाइंड करता है विद द जैक वन एंड स्टैट फाइव. इसको जैक वन और स्टैट फाइव चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस RBCs. तो RBCs की प्रोडक्शन तभी होगी अगर जैक स्टैट पाथवे ढंग से काम करेगा और ये जैक वन और स्टैट फाइव इन्वॉल्व होंगे इन दिस पाथवे. सो दिस इज हाउ दिस जैक स्टैट पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर. यहाँ पे साइटोकाइन रिसेप्टर्स का बहुत काम है, जैक का बहुत काम है. तो जैक जो है एक ऐसा कैटलिटिक यूनिट है जो अटैच करता है सी टर्मिनल के साथ. तो दैट्स वाई इट इज़ एन एंजाइम एसोसिएटेड रिसेप्टर. इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोज में बता रखा है. सो दिस इज ऑल अबाउट दी जैक स्टैट पाथवे. इन केस यू गाइज नीड्स द नोट्स ऑफ दिस पाथवे, यू कैन सिंपली कमेंट मी डाउन, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स. एंड यू नीड टू वॉच ऑल द प्रीवियस पाथवेज दैट आई हैव एक्सप्लेन यू एंड ऑल्सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिसेप्टर्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. So I hope that you like this video. If you did, then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.